नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो वह धनराशि क्या है? ठीक है, कोई भी धनराशि है 2 वर्षों के ब्याज सहित 2240 होती है और 5 वर्ष के ब्याज सहित 2600 होती है, तो हमें बताना है कि वह धनराशि क्या है। तो जब धनराशि बनती है तो उसमें मूलधन शामिल होता है और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट शामिल होता है, तब जाके क्या बन जाती है? वह 2240 हो जाती है। ठीक है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितनी हो जाती है? 2240। इसी प्रकार मूलधन और 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अगर मिला दें तो कितनी हो जाती है? 2600। ठीक है, सिंपल सी बात, मूलधन 2 वर्ष का इंटरेस्ट 2240, मूलधन 5 वर्ष का इंटरेस्ट तो 2600। अगर हम इसको घटा दें, क्या कर दें, इन दोनों संख्याओं को घटा दें या इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा और यहाँ पर माइनस कितना बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और ये 3, 360 बटा माइनस से माइनस कट गया, तो एस आई इक्वल कितना हो जाएगा? 360 भागे 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 रुपया। यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 120 रुपया। अब इस इक्वेशन में हम रख देंगे, अब यहां पर क्या था, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का जब 120 है तो 2 साल का कितना हुआ? 12 दूनी 24, 240 रुपया। तो 240 रुपया अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? हमारा पी निकल आएगा। तो 2240 में से अगर हम 240 माइनस कर देंगे, जो कि 2 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो पी बराबर कितना निकल आएगा? पी बराबर 2000 निकल आएगा। और यही उसने हमसे पूछा था कि वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि 2000 रुपये है। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपको लगाना है। थोड़ी देखने में ये जरूर पता लगता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी मेथड, कोई भी अगर मिश्र धन बनता है तो उसमें मूलधन और जितने साल में बनता है उतने साल का ब्याज उसमें शामिल होता है। तो हमने हम मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज बराबर 2240, मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज बराबर 2600, दोनों को माइनस कर दिया, 3 साल का ब्याज 360, तो 1 साल का ब्याज 120, जब 1 साल का ब्याज 120 तो 2 साल का ब्याज 240, तो इसमें से 240 माइनस कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 2000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।